अपनी हॉरर डोज को सेटिस्फाई करते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर दो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 5 ऐसी डरावनी एंड सेटिस्फाइंग हॉरर वीडियोस जिसको देखने के बाद आपको बुरे सपने भी आ सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम आज के इस हॉरर डोज को सेटिस्फाई करने वाले सफ़र को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली वीडियो सिंपली सारथ नामक एक इंडियन घोस्ट हंटर ने शूट करी थी, और इस वीडियो के अंदर सिंपली सारथ और उनके कुछ दोस्त एक लोकल हॉन्टेड एंड अबैंडन्ड एरिया की एक्सप्लोरेशन करने गए होते हैं, और अपने एक्सप्लोरेशन के दौरान बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को अपने कैमरा में भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अपनी इन्वेस्टिगेशन के कुछ शुरुआती पलों में ही उनके कैमरा के अंदर एक अननोन साउंड कैप्चर हो जाती है। हालांकि वो लोग उस आवाज को किसी जानवर की साउंड कहकर इग्नोर कर देते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू भी कर लेते हैं। और फिर वीडियो में करीब 10 मिनट और 20 सेकंड गुजर जाने के बाद उन्हें एक ऐसी आवाज़ आती है जिसको सुनकर ऐसा लगता है मानो जैसे कोई दरवाज़ा अपने आप से काफ़ी तेज बंद हुआ हो। इसके बाद वो जब उसी जगह के किसी बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल के एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हैं, तब उनके कैमरा में उसी कॉरिडोर के सामने एक लाइट जैसी कोई चीज़ दिखाई देती है जिसको देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे वो हवा में उड़ रही हो। इस खौफनाक नज़ारे के कुछ ही देर बाद सिंपली सारथ अपने कैमरा में एक और पैरानॉर्मल साउंड कैप्चर कर लेते हैं जिसको सुनकर ऐसा लगता है मानो जैसे कोई चीज़ उन पर कांच से हमला करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इस घोस्ट लोग का आखिरी सबसे भयानक नज़ारा करीब 26 मिनट और 50 सेकंड गुजर जाने के बाद आता है, जब सिंपली सारथ अपने किसी दोस्त से कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे होते हैं। तब उसी दौरान उन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के ऊपर वाले कॉरिडोर से एक बहुत डरावनी सी आवाज़ आती है जिसको सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति उनके काफ़ी नज़दीक आ गया हो और उन पर चिल्ला रहा हो। उस आवाज़ को सुनकर सिंपली सारथ और उनके दोस्त फौरन वहाँ से भाग जाते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे ना बढ़ाने का भी फैसला ले लेते हैं। तो इन सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड अननोन साउंड्स के पीछे आखिर किसका हाथ था? क्या सच में उस जगह पर कोई भटकती आत्मा रहती थी, या फिर वो कोई जानवर भी हो सकता है? अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आज की हमारी दूसरी वीडियो डार्क घोस्ट पैरानॉर्मल नामक एक यूट्यूब चैनल ने पोस्ट करी थी, और इस चैनल के ओनर रशिया के काफ़ी जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी हैं। और इस वीडियो के अंदर डार्क घोस्ट पैरानॉर्मल एक ऐसी वीरान जगह पर मौजूद किसी अबैंडन्ड एंड हॉन्टेड बिल्डिंग की एक्सप्लोरेशन करने जाते हैं, जहाँ पर बहुत से लोकल लोगों का ये तक कहना था कि उस घर में किसी असली शैतान का वास है, और जो भी उस घर में रहने की कोशिश करता था वो या तो ज़्यादा बीमार हो जाता था, या फिर वहाँ पर होने वाली कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को महसूस करके उस घर का मालिक खुद ही उस घर को छोड़ देता था। और जो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इस इन्वेस्टिगेटर के साथ हुई हैं उसको देखकर ऐसा लगने भी लगता है कि शायद से ये सारी बातें सच भी हो सकती हैं।
सबसे पहले वीडियो में कुल 9 मिनट और 45 सेकंड बाद उस घर में उनके द्वारा लगाए गए एक हिडन कैमरा के अंदर एक पुराने फ्रिज का दरवाजा अपने आप ही ओपन होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 12 मिनट और 25 सेकंड गुजर जाने के बाद हम ये भी देख सकेंगे कि एक कैबिनेट का दरवाज़ा बिना किसी हवा के बावजूद कुछ ऐसे बर्ताव कर रहा होता है। इस सीन के बाद जब वो उसी घर में सोने का भी डिसाइड करते हैं तब वीडियो में करीब 17 मिनट और 50 सेकंड बाद एक रिंगिंग चाइम जो दीवार पर लटकी हुई होती है वो भी अपने आप ही बजने लग जाती है। और फिर एक पैरानॉर्मल घटना करीब 27 मिनट और 55 सेकंड बाद फिर से घटित होती है, जिसके अंदर जिस कमरे में वो सो रहे होते हैं उसका दरवाज़ा अचानक अपने आप ही काफ़ी ताकत से खुल जाता है। और उसके बिल्कुल 30 सेकंड बाद ही उस कमरे में रखे हुए कुछ बर्तन भी खुद से ही नीचे गिर जाते हैं। तो आखिरकार उस घर में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसको अपने मेहमान बिल्कुल पसंद नहीं आते थे? अपनी राय जरूर बताइएगा। आज की हमारी तीसरी वीडियो इहाब क्योस्मिया नामक एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड करी थी और ये वीडियो एक शॉर्ट क्लिप है जो उन्होंने अपने फ़ोन कैमरा से रिकॉर्ड करी थी। और इस वीडियो के अंदर आप देखोगे कि जब वो अरेबिक एक्सप्लोरर किसी हॉन्टेड बिल्डिंग के किसी कमरे में दाखिल होते हैं तब उसी कमरे के दरवाजे की साइड से एक अननोन और एक अनआइडेंटिफाइड फिगर उनको दिख जाती है और उनके कैमरा में भी कैप्चर हो जाती है, जिसको देखने पर ऐसा लगता है मानो जैसे वो उसी इन्वेस्टिगेटर को अजीब तरीके से घूर रही हो। और जब वो व्यक्ति हिम्मत करके उसको देखने के लिए आगे बढ़ता है तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो आखिरकार वो जो भी चीज़ थी वहाँ पर बिना शोर किए प्रकट कैसे हुई? और उससे भी बड़ा सवाल, वो अंत में अचानक गायब कैसे हो गई? अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। आज की हमारी चौथी वीडियो पैरानॉर्मल ड्वेलिंग्स नामक एक यूट्यूबर ने अपने चैनल पर पोस्ट करी थी और इस वीडियो को उन्होंने एक हिडन कैमरा की मदद से रात के समय में रिकॉर्ड करा था जब वो खुद तो सो रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें कुछ ऐसा भयानक नज़ारा इनकी वीडियो में देखने को मिल जाता है। वीडियो में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले टेबल पर रखी हुई कोई पाइप जैसी चीज़ अपने आप रोल होने लगती है और फिर उसके तुरंत बाद ही उस टेबल पर रखा हुआ एक कांच का गिलास जो पानी से भी भरा हुआ था वो भी खुद ब खुद नीचे गिर जाता है और फिर उस टेबल के साथ रखी हुई एक कुर्सी भी अपने आप से ही मूव करती हुई दिखाई देती है। तो क्या सच में पैरानॉर्मल ड्वेलिंग्स के घर में किसी असली भूत का साया था जो ये सब हरकतें कर रहा था? अपने ख्याल भी ज़रूर बताइएगा। आज की हमारी आखिरी वीडियो चामोस नामक एक यूट्यूबर ने पोस्ट करी थी और इस बार वो अपनी टीम के साथ एक अबैंडेंड हाउस के एक्सप्लोरेशन करने गए होते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो कुछ ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस को कैप्चर कर लेते हैं जिनको शायद वो आज तक ना भुला पाए हों।
वीडियो की पहली पैरानॉर्मल घटना कुछ 13 मिनट और 15 सेकंड बाद आती है, जब उनके पास कोई वस्तु उनके सामने मौजूद खिड़की के बिल्कुल सामने से ही काफ़ी तेज कोई फेंकता है, जिसको देखकर सभी लोग एक बार के लिए काफ़ी घबरा भी जाते हैं। इसके बाद 14 मिनट गुजर जाने पर उनके कैमरा में एक आकृति भी कैप्चर हो जाती है, जो देखने में तो बिल्कुल किसी इंसान की तरह ही थी, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल भी नहीं। बहुत से लोगों का ये कहना था कि वो कोई भूत तो नहीं था, बल्कि कोई मेंटली डिस्टर्ब पर्सन था जो उस घर के अबेंडेंट होने के कारण वहाँ पर रहता होगा, और इन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की आवाज़ें सुनकर सिर्फ उनको डराने की कोशिश कर रहा होगा। और वो शायद इस चीज़ में सफल भी हो गया, क्योंकि चामोस और उनके साथी उस पागल व्यक्ति को देखते ही तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं और अपनी एक्सप्लोरेशन को समाप्त कर देते हैं। तो वो इंसान अपना भेष बदल कर उस घर में क्यों छुपा हुआ था? क्या वो कोई सीरियल क्रिमिनल भी हो सकता था? आपको क्या लगता है? तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को मैं इसी तरह अपने साथ इस सेटिस्फाइंग हॉरर डोज वाले सफ़र पर लेके जाता रह सकूँ। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस पे एक लाइक भी ज़रूर छोड़ कर जाइएगा। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नई हॉरर डोज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।